दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द श्री टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं वर्कशॉप का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 3 अपलोड किया हुआ है और मैंने जो है इस समय जो पेपर आने वाला है, ठीक है, तो मैं न्यू किताब को फॉलो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2016-2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी आराम से हो सके। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी बुक से बनेगा और इसी किताब के सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। तो आप जो है अब जो वीडियो आने वाले हैं उनको जरूर देखिए बहुत अच्छे से और उन सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। मेरा श्योर है, एकदम गारंटी है, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखे हैं वो इसको जरूर देख लें, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तभी आपको चीज़ें आगे समझ में आएंगी जब आप पहले देखेंगे। आप मेरे चैनल पर जाके वर्कशॉप का प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है साइंस के कवर कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें नंबर आप अच्छे से गेन कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, बीजगणित स्टार्ट करने वाला हूँ। नहीं, सॉरी, मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। बीजगणित मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो मेंसुरेशन में मैं लगभग 150 या 200 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, उससे मेंसुरेशन चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी का क्या उदाहरण है। तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, या उसको बोलते हैं विभव ऊर्जा भी बोलते हैं, पोटेंशियल को विभव ऊर्जा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी लिखा रह सकता है, या स्थितिज ऊर्जा, उसका फार्मूला क्या होता है मैंने बताया था कि उसमें एच वेरी करता है, यानी हाइट का होना जरूरी है। जैसे कोई बॉडी रखी है, उसका मास अगर mg नीचे की तरफ हो और इस बॉडी को एच हाइट ऊपर तक ले जाया जाए, है ना, तो यहाँ पे जो एनर्जी डेवलप होती है क्या होती है, mgh होती है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा या विभव ऊर्जा बोलते हैं, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें बहती हवा, इसमें वेलोसिटी की बात हुई है, वेग की बात हुई है, घूमता पहिया, पहिया जब घूमेगा तो इसमें भी वेग की बात हुई है, बहता हुआ पानी, यहाँ पे भी वेग की बात हो रही है। तो ये सब जो है पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ओवरहेड टैंक से भरा पानी, तो टैंक से भरा हुआ पानी है तो इसमें ऊंचाई की बात हो रही है और पानी रुका हुआ रहेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में दिया है, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जब किसी पिंड पे बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, पिंड पे जब बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी आप या तो पिंड आगे चला जाता है या इधर उधर चला जाता है, नहीं, कुछ विस्थापन हो जाता है, तो बल इंटू विस्थापन को क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था वर्क की डिफिनेशन में। अब यहाँ पे देखें, कार्य निर्भर करता है लगाए गए बल की राशि पे, हाँ, कितना बल लगा रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, पिंड द्वारा तय की गई दूरी पे, जब बल लगाएंगे तो पिंड में दूरी बढ़ेगी, यानी एफ और डी दोनों पे निर्भर करता है, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को न ही निर्मित कर सकते हैं, न ही बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण का ये नियम है। अगला क्वेश्चन देखें, फार्मूला का उपयोग कर हम ऊर्जा का मान प्राप्त कर सकते हैं, तो किस फार्मूला का उपयोग करके। तो हम देखें, इलेक्ट्रिकल से कोई मतलब नहीं है, मैकेनिकल फार्मूला यूज करके नहीं कर पाते, काइनेटिक का भी यूज नहीं कर पाते, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसका यूज करके, यानी पी इक्वल टू mgh का अगर हम लोग यूज कर लें, है ना, तो हम क्या ऊर्जा का मान पता कर सकते हैं। फार्मूला का उपयोग कर हम पोटेंशियल ऊर्जा का मान पता करते हैं, ठीक है ना, फार्मूला का यूज करके। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे एनर्जी जो वर्क होता है वो क्या होता है, एक तरह की एनर्जी होती है, तो एफ इंटू डी है ना, तो एफ की जगह पे आप mg रख लेते हैं और डी की जगह पे क्या रख सकते हैं, एच रख सकते हैं। तो देखें, फार्मूला का यूज किया मैंने, वर्क के फार्मूले का यूज किया और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता कर लिया। ठीक है, अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, न्यूटन मीटर। अगर न्यूटन मीटर की बात करेगा तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, एफ इंटू डी, इसको भी बोलते हैं जूल, है ना। बट यहाँ पे अगर ए बोलता कि ए MKS क्या होता है, तो MKS होता है न्यूटन मीटर, बट आपसे बोला है SI मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा,
ऊर्जा का जो एमकेएस मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए सूत्र एमजीएच का प्रयोग करते हैं। एमजीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी विभव ऊर्जा का को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि एक पंप 45 मीटर की ऊंचाई, मतलब एच का मान दिया हुआ है, प्रति मिनट ऊंचाई तक प्रति मिनट 1000 लीटर पानी उठाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 मिनट में 1000 लीटर पानी उठाता है, 1 लीटर पानी उठाता है, ध्यान दीजिएगा पानी। तो पंप का हॉर्स पावर, तो P बराबर मैंने क्या बताया था आपको, W/T, ठीक है ना, और W बराबर क्या होता है, F×H/T आया, और F की जगह पे मैंने क्या बोला था, F बराबर होता है mg×H/T। ठीक है, अब इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे M की जगह पे आपको क्या रखना है, अब यहाँ बोला है 1000 लीटर पानी, लीटर पानी, तो मैंने क्या बोला था कि जो 1 लीटर पानी होता है वो 1 kg के बराबर होता है, बट यहाँ पे तेल हो जाएगा तो 840 ग्राम के बराबर हो जाता है, मैंने दूसरे वीडियो में बताया, आप उसको देख लीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है, 2018 में भी आया है और पहले भी आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो 1 लीटर पानी का मतलब, 1000 लीटर पानी का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 kg हो जाएगा। तो एम की जगह पे क्या रखेंगे आप, एम की जगह पे रखेंगे 1000। ठीक है, जी की जगह पे अगर कुछ भी नहीं दिया होता है तो मैंने बताया 9.81 रखते हैं, ठीक है ना, और एच की जगह पे क्या रखेंगे, 45 मीटर। ठीक है, नीचे टाइम, टाइम यहाँ पे बोला है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट का, 1 मिनट है ना, और 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड, तो यहाँ पे आप इसको रख लेंगे 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 15 से कट जाएगा, 15 या 45, 15 चौके 60, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, बचेगा 1 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 या 12, 4 चौके 16, बचा कितना, 2, ठीक है ना, फिर हो जाएगा अगर यहाँ पे 1 मान लीजिए, 2 1 4 5 20, तो कुछ ऐसा आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट से 2 0 खत्म हो जाएगा, सीधे गुणा कर लीजिए, 5 या 15 5 1, 4 या 12 3 3 6 7, ठीक है, और 3 0 है तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इतना वाट आ गया, वाट आया। अब इसको जो है हॉर्स पावर में बनाना है, तो मीट्रिक प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे एम का मान आपने क्या रखा है, केजी में रखा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 735, तो ये बन जाएगा हॉर्स पावर, 735 से डिवाइड करेंगे तो 735 से कट जाएगा, तो सीधे क्या आ जाएगा, 10 हॉर्स पावर, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आराम से मैंने बताया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई, पावर की इकाई क्या होती है, देखिए P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है ना, P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। और यहाँ पे देखिए पावर की अगर आप बात करें, तो पावर की इकाई आपने क्या पढ़ा है, देखिए किलोवाट आवर है ना, किलोवाट आवर है, यानी वाट आर, तो पावर में तो केवल वाट आता है ना, उसमें टाइम कहाँ से आ गया, तो ये वाला तो होना नहीं है। अर्ग, अर्ग आपका जैसे, अर्ग क्या है, सीरियस प्रणाली का मात्रक है, किसका, कार्य का, कार्य का सीरियस प्रणाली का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है ना। तो शक्ति का मात्रक यहाँ पे क्या है, किलोवाट, किलोवाट हो या वाट हो, दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, शक्ति का मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। आउटपुट और इनपुट के अनुपात को क्या बोलते हैं, मैंने बोला था आउटपुट और इनपुट के अनुपात को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी यानी दक्षता, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षता। ठीक है, नेक्स्ट। एमकेएस पद्धति में शक्ति की इकाई क्या होती है, एमकेएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड। एमकेएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे देखें, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एम किलोग्राम 5 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को भूमि से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो द्रव्यमान का विभव ऊर्जा, विभव को ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एम जी एच है ना। एम के जगह पे दिया है 5 किलोग्राम, जी की वैल्यू आप कितना रख लीजिए, 9.8, और एच का मान कितना दिया हुआ है, 300। ठीक है, बस इसको आप गुणा कर लीजिए, जी का मान जब तक न बोले कि 10 रखना है तब तक आप 9.8 रखिए। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 0 है, 5 का गुणा करिए तो 2 0 1.8
आठ त्रिके 24, 4 पंजे 20 यानी 0 आएगा। लगभग कितना है, 10 मान लीजिए, 10 पचे 50 या 1500, लगभग 1500 आ रहा है। इसको दिमाग में ऐसे सोचिए, 10 है तो 10 पचे 50, 50 का 300 गुणा करेंगे लगभग 1500, तो आपका आंसर यही आएगा, गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 3 किलोवाट वाले एक इलेक्ट्रिक बॉयलर में 3 किलोवाट यानी ये पावर दिया हुआ है, वाट की यूनिट क्या होती है, पावर होती है, पी का मान दिया हुआ है, कितनी वाट प्रति सेकेंड, वाट प्रति सेकेंड है ना, में ऊर्जा खपत होगी जो 10 मिनट में 60 लीटर पानी को इतने से इतने तक गर्म कर दे। ठीक है ना, 10 मिनट में 60 लीटर पानी को इतने से इतने तक गर्म कर दे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 60 लीटर पानी, 60 लीटर पानी बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलो, यानी ये एम का मान हो गया 60 केजी। ठीक है ना, 60 केजी हो गया। अब यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है कितना है, 10 मिनट है। 10 मिनट का मतलब कितना होता है, 10 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये टोटल हो गया कितना, 600 सेकेंड हो गया। टाइम के बारे में पता चल गया। आपसे पूछा है कि कितना कितना पावर होगा है ना, तो कितनी ऊर्जा खपत होगी, तो आप पढ़े हैं पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी है ना, तो यहाँ से पी के जगह पे कितना दिया, 3 किलोवाट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, आंसर के सारे आंसर किलोवाट में दिए हुए हैं, तो किलोवाट को बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 किलोवाट हो गया। अब आपको डब्ल्यू बताना है, ऊर्जा, कार्य मतलब ऊर्जा एक ही चीज है, ठीक है ना, तो वह ऊर्जा आपको निकालनी है। अब टी का मान कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, टी का मान कितना दिया है, 600। अब इसका वैल्यू इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 600। ठीक है ना, तो 6 तरीके कितना हो जाएगा, 1800। यानी ऊर्जा कितनी जरूरत पड़ेगी, 1800 जूल की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये जो सेंटीग्रेड वगैरह दिया है, 60 लीटर पानी दिया है, यहाँ से यहाँ तक इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1800 किलोवाट सेकेंड, क्योंकि ये किलोवाट में था और टाइम सेकेंड में था, तो आंसर क्या आएगा, 1800 किलोवाट सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। यदि m बराबर 75 kg हो, t बराबर इतना हो, दूरी इतना हो, तो वाट में शक्ति का मान क्या होगा। ठीक है ना, देखिए p आपको बताना है, p बराबर क्या होता है, w अपॉन t, W की जगह पे क्या होता है, F इंटू डी अपॉन टी, बस चीजें आप समझते रहिए। और F की जगह पे क्या होता है, एम जी इंटू डी अपॉन टी। एम का मान दिया है 75, जी का मान कितना दिया है, 9.81 यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, डी की जगह पे कितना दिया हुआ है, 75, और समय कितना दिया है, 10 सेकेंड। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसका सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 1 न्यूटन मीटर में कितने जूल होते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, डब्ल्यू बराबर मैंने क्या बताया, एफ इंटू डी, डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी कार्य का मात्रक जूल, और F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और D का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आप कह सकते हैं ना कि 1 न्यूटन मीटर में 1 जूल, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, D वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। कार्य करने के लिए बॉडी की क्षमता, तो जो कार्य करने के लिए बॉडी की क्षमता होती है वो क्या होती है, ऊर्जा होती है। कार्य करने के लिए जो बॉडी की क्षमता होती है क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखें, एक मोटर की आउटपुट पावर 3450 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, वाट, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं 3450 वाट है। ठीक है ना, तो 1 घंटे में कितनी ऊर्जा, 1 घंटे में, यानी इसको आपको 1 घंटे में निकाल के बताना है कितना होगा, है ना, तो 1 घंटे में कितना होगा। तो अब इसको 1 घंटे में अगर आपको देखना है, ठीक है, और आपको किस में निकालना है, किलोवाट में निकालना है, तो इस वाट वाले को जब आप किलोवाट में, पावर तो दिया ही दिया है ना, तो 1 घंटे में जब आप निकालना चाहेंगे तो इसको आप किलोवाट में कैसे बदलेंगे, किलोवाट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो ये किस में बन जाएगा, किलोवाट, और 1 घंटे की बात है तो एच
किलोवाट आवर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। एक घंटे में आपसे पूछा है, तो अब 1000 से भाग करेंगे तो क्या रहेगा, 3.45 किलोवाट आवर। तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, एक कार्य का MKS मात्रक न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है, दोनों सही है, ठीक है, और SI मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा। कार्य का सीरियस मात्रक डाइन होता है, डाइन सेंटीमीटर या अर्घ होता है, ठीक है। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, एक जूल में 10^7 अर्घ होते हैं, ऐसा मैंने बताया हुआ है। अगला देखें, किसी बल, अब एक चीज जैसे मैंने बताया था कि अगर बल थीटा कोण पे लगाएं, है ना, कोई एम द्रव्यमान का पिंड रखा हो और इस पे अगर बल लगाते हैं, ठीक है, तो ए बल इधर ब्रेक हो जाता है, यानी ए बन जाता है एफ कॉस थीटा में ब्रेक हो जाता है और एफ साइन थीटा में ब्रेक हो जाता है। तो जब पिंड को इधर लेके खींचना है तो ए वाला बल काम करता है ना, तो जो किया गया कार्य होता है, यहाँ पे बल की जगह पे क्या आ जाता है, एफ कॉस थीटा। मान लेते हैं पिंड कितना दूरी गया, डी डिस्टेंस गया, तो आपका फार्मूला क्या आ जाता है, एफ डी कॉस थीटा। ये तब लगाएंगे जब किया गया कार्य जो बल है ना, जो बल है वो क्षैतिज से थीटा कोण पे लगाया जा रहा हो, ठीक है, तो आपका यह आंसर आता है। ये छूट गया था उसमें, फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। किसी बल द्वारा उसकी लंबवत दिशा में काम, अगर किसी कोई बल है और उसके लंबवत दिशा में अगर काम करते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, इसके पहले वाले। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मेंसुरेशन स्टार्ट करूँगा, पहले पार्ट में मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस करा दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।